नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो में मैं आपको जो आपका फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपका 18 सेंचुरी सेकेंड यूनिट है उसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें वीडियो में मैं आपको दे रही हूँ। 18 सेंचुरी इज नॉन एज द रोमांटिक पीरियड, ये आपको पता ही है। बात द रोमांटिक एज स्टार्ट्स विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। जो ये रोमांटिक एज मानी जाती है वो स्टार्टिंग मानी जाती है जब लिरिकल बैलेट्स विच वॉज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, तो इन्होंने ये आप लिखी थी दोनों ने मिलकर, तब से इसकी मानी जाती है स्टार्टिंग। इट इज़ अ जॉइंट वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। दिस एज वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये भी इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें इस एज में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था हूज मोटो वॉज फ्रेटर्निटी इक्वालिटी एंड लिबर्टी। The romantic movement in English literature had its beginnings in the pre-romantic poets James Thomson, Edward Young, Thomas Gray, Robert Blair, James Macpherson, Thomson Chatterton, William Cowper etc. The Gothic novel and the novel of sensibility. Means जो हम romantic एज जो है अगर हम कहें तो वो उससे पहले कुछ ये प्री रोमांटिक एज से पहले कुछ पोएट्स हैं उसमें भी हमें इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स यानी रोमांटिक एज के कुछ करेक्टरिस्टिक इन राइटर्स की राइटिंग में देखने के लिए मिलती है। विलियम ब्लेक वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ द रोमांटिक पोएट्स और रोमांटिक पोएट का फर्स्ट पोएट माना जाता है विलियम ब्लेक को। अमंग द अर्लीस्ट रोमांटिक्स वर ऑफ लेक पोएट्स स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। लेक पोएट्स उस टाइम पर लेक पोएट्स फेमस थे और उनका एक ग्रुप था, उस ग्रुप को लेक पोएट्स के नाम से जाना जाता था जिसमें इंक्लूड हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, रॉबर्ट साउथे एंड जर्नलिस्ट थॉमस डी क्विंसी। इन चार लोगों का ग्रुप था जिसमें कि ये लेक पोएट्स के नाम से जाने जाते थे। वर्ड्सवर्थ गिव्स हिज फेमस डेफिनेशन ऑफ पोएट्री एज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी इन प्रिफेस टू लिरिकल बैलेट्स। रोमांटिक एज में वर्ड्सवर्थ ने एक डेफिनेशन दी थी कि जो पोइट्री है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पावरफुल इमोशंस का। जब हम कोई उनका कहना था कि जब कोई पोएट किसी अच्छे सीन को देखता है, कोई ऐसा दृश्य देखता है तो स्पॉन्टेनियसली उसके अंदर एक ओवरफ्लो होता है, कुछ भावनाएँ आती है और जिसको वो पोइट्री का रूप दे देता है। द पोएम इन लिरिकल बैलेट वर मोस्टली बाय वर्ड्सवर्थ ऑल दो कॉलरिज कॉन्ट्रीब्यूटेड द लॉन्ग राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर अ ट्रेजिक बैलेट। काफ़ी सारी पोएम्स में वर्ड्सवर्थ की हैं और साथ ही कॉलरिज की जो मेन पोएम्स मानी जाती है वो मानी जाती है राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर जो कि कॉलरिज ने लिखी है लिरिकल बैलेट में। कॉलरिज इज ऑल्सो रिमेंबर्ड फॉर कुबला खां, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, डिसेक्शन एन ओट, किस्टाबेल एंड हिज मेजर प्रोज वर्क बायोग्राफिया लिटरेरी। इस तरह से कुछ ना कुछ वर्क आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कुबला खान हू रॉट कुबला खान, तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अमंग वर्ड्सवर्थ्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम्स आर माइकेल लाइन्स कंपोज अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ये कुछ